हेलो नमस्कार जोहार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 1 जुलाई, तो हम लोग यहां पर 1 जुलाई 2023 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप सबको यहाँ पर बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो है SSCGL की झारखंड सचिवालय की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यदि आप यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेएल लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके हमारे अलग अलग जो कोर्सेस हैं, आप जिसमें भी चाहे ज्वाइन होना चाहते हैं, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में 18 जून 2023 को संपन्न हुई 11वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम 1000 मीटर की जो रेसिंग हुई थी उसमें नाव इवेंट में किसने स्थान पर रही है झारखंड की टीम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर झारखंड की टीम रही है वो तीसरे स्थान पर रही है। कितने स्थान पर रही है झारखंड की टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पर 18 जून को संपन्न हुई है, कौन सी यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है, तो ये जो संपन्न हुई है वो 11वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड की टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है 1000 मीटर की जो यहाँ पर नाव इवेंट था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले स्थान पर जो टीम रही है वो कौन सी टीम रही है, हरियाणा की टीम रही है। ठीक है, हरियाणा की टीम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रही है। हरियाणा ने महिलाओं का जो 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर रेस में जो है वो पहला स्थान पाया है। तो अलग अलग रेंज डिस्टेंस का यहाँ पर जो है प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 500 मीटर का भी था, 200 मीटर का भी था और 1000 मीटर का भी था। तो इसमें सभी जो कैटेगरी में महिलाओं ने, हरियाणा के महिलाओं जो महिला टीम थी उनके द्वारा यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया गया है। और साथ साथ यहां पर देख लीजिए, पुरुष मिक्स में हरियाणा की टीम जो है वो पहले स्थान पर रही है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए, दूसरे स्थान पर पंजाब की टीम रही है, वही मेजबान झारखंड की टीम 1000 मीटर नाव इवेंट में और 1000 मीटर मिक्स में भी तीसरा स्थान यहां पर झारखंड की टीम को मिला है। प्रतियोगिता में देश के 19 राज्यों की महिला व पुरुष टीम ने भाग लिया था, जिनमें कुल जो है वो 468 प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें 228 महिला प्रतिभागी यहां पर शामिल थे। तो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, यहां पर नाव इवेंट रेसिंग बोर्ड का यहां पर जो है वो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 1000 की कैटेगरी में यहां पर जो मिक्स में है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड राज्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है यहां पर, हाल ही में 19 जून 2023 को, ठीक है, 19 जून 2023 को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि रॉ है, रिसर्च रॉ का जो फुल फॉर्म होता है, आप सब नाम से परिचित होंगे, रॉ के जो प्रमुख हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं और उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो झारखंड से रहा है। ठीक है, रॉ, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये इसका फुल रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, विंग, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा। और इसी के प्रमुख जो है वर्तमान में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये है रवि सिन्हा। कौन है, रवि सिन्हा है, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है यहां पर देश की जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है यहां पर, उनका नाम क्या है, रवि सिन्हा है, जिनका यहां पर नियुक्त, जिनको यहां पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहां पर रॉ के जो है वो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और ये है रवि सिन्हा। इनके बाद इनका संबंध झारखंड से क्या है वो चलिए हम लोग यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा और देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और 1988 बैच के हैं ये, छत्तीसगढ़ कैडर के ये अफसर रहे हैं यहां पर, और रवि सामंत कुमार गोयल का स्थान जो है लेंगे। ठीक है, अभी जो वर्तमान में रॉ के जो चीफ है वो कौन है, रॉ के जो चीफ अभी वर्तमान में है वो कौन है, रवि सामंत कुमार गोयल हैं,
और उन्हीं का जो है वो यहाँ पर कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, तो उनके स्थान पर ये रवि सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा जो है मूलतः बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं और इनका जो रिलेशनशिप रहा है झारखंड से वो धनबाद से भी रहा है और रांची से भी रहा है। तो रवि का जो बचपन है वो उनका जो बचपन है वो धनबाद में बीता है, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो डॉक्टर एनके सिन्हा पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के वहां पर जो है वो डिपार्टमेंट के हेड थे वहां पर, ठीक है। तो और वो यहीं पर रहते थे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन की जो है वो यहीं पर हुई है। दसवीं की जो शिक्षा इनकी थी वो यहाँ पर डीनो विलेज स्किल डिगवा डी में यहाँ पर जो है उनका शिक्षा हुआ, और इसके बाद 12वीं की पढ़ाई रांची सेंट जेवियर्स में उनकी पढ़ाई हुई, और उसके बाद यहाँ पर जो है हायर डिग्री के लिए वो स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में वो चले गए थे, ठीक है। तो ये रवि सिन्हा है जो कि यहाँ पर वर्तमान में रॉ के चीफ नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कहिए कि यहाँ पर झारखंड के लिए कहीं ना कहीं इन यहाँ पर जो अपनी वो शिक्षा यहाँ पर लिए और उसका जो है यहाँ पर प्रभाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है वो देखने को मिलता है, और ये एक तरह से कहिए कि झारखंड से भी उनका संबंध रहा है, ठीक है। तो ये है पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और रवि सिन्हा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में 19 जून 2023 को उत्पाद रसायन प्रयोगशाला की जो शुरुआत है वो झारखंड के किस शहर में की गई है, ठीक है। जो शराब होता है ना, शराब वगैरह जो होता है उसकी टेस्टिंग वगैरह, यानी कि खराब है अच्छा है, उसके लिए प्रयोगशाला अभी तक वर्तमान में राज्य में नहीं थी, तो अब यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, या कहिए कि यहाँ पर उत्पाद विभाग के द्वारा जो है वो उत्पाद रसायन प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है झारखंड के किस शहर में की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में यहां पर जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है, रांची में इसकी शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहां पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो शराब व स्पिरिट की रासायनिक जांच अब जो है वो झारखंड में ही होगी, राज्य में उत्पाद रसायन प्रयोगशाला नहीं होने की वजह से अब तक जो है वो सभी प्रकार के शराब व स्पिरिट की रासायनिक जांच के लिए सैंपल जो है वो दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर नए प्रयोगशाला की जो है वो शुरुआत हो गई है। रांची के कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में यहां पर जो है वो इसका शुरुआत किया गया है, उत्पाद रसायन प्रयोगशाला का, ठीक है। 19 जून 2023 को, जैसा कि आप पिक्चर में यहां पर देख पा रहे हैं, इस प्रयोगशाला का यहां पर जो है वो उद्घाटन किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार वज्रपात से मृत्यु होने पर कितनी राशि मुआवजा के रूप में प्रदान कर दी है। हालांकि अभी जो है मानसून झारखंड में आ गया है और देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून आ गया है, तो अलग अलग राज्य में जो है वो यहाँ पर वज्रपात होता है और एक बड़ी समस्या भी है राज्य के लिए कि यहाँ पर जो लगभग मृत्यु होती है ठनका से और वज्रपात से वो संख्या काफी ज्यादा है, तो इसे अलर्ट होने की जरूरत है सभी लोगों को और हम सबको, ताकि कम से कम ये दुर्घटना हो। और यहाँ पर जो है वो डाटा निकल कर आ रहा है कि राज्य सरकार वज्रपात से जब किन्हीं की मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश में, तो उनको कितना यहाँ पर मुआवजा जो है वो राशि प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 4 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। वज्रपात से अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर जिस दुर्घटना हो जाती है, तो राज्य सरकार जो है वो मुआवजा के रूप में कितनी राशि प्रदान करती है, तो ये 4 लाख यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो मुआवजा प्रदान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो झारखंड राज्य समेत देश के अन्य हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है, मानसून जो है यहाँ पर आते ही वज्रपात और ठनका समस्या जो है वो बढ़ जाती है। पिछले एक वर्ष में वज्रपात एवं ठनका से लगभग 300 से अधिक लोगों की राज्य में मृत्यु हो गई थी। पिछले एक साल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग 300+ जो है वो यहाँ पर वो एक्सीडेंट देखने को मिला है। प्राकृतिक आपदा वज्रपात एवं ठनका से मृत्यु होने पर राज्य सरकार 4 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो मुआवजा देती है। प्राकृतिक आपदा से लोगों को ही यहाँ पर जागरूकता से ही यहाँ पर बचाई जा सकती है, लोगों की जान जो है वो जागरूकता के माध्यम से बचाई जा सकती है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, ठीक है। झारखंड के विशेष टीम ने 11 विशेष जो है यहाँ पर एक विशेष ऐप विकसित किया है, ठीक है, एक विशेष ऐप विकसित किया है, और जिसके माध्यम से वज्रपात होने के 4 से 6 घंटे पूर्व इसकी सूचना जो है वो मिल जाती है। यदि आप उस ऐप को रखेंगे
तो यहां पर ठनका गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है उसकी जानकारी 4 से 6 घंटे पहले वहां पर अलर्ट जो है वो ऐप यहां पर देती है। ठीक है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान में भी इसका जो है जानकारी का उल्लेख रहता है। मौसम का जो मौसम विभाग है यहाँ पर उसकी भी जो है वो यहाँ पर जानकारी निकल कर आती है, साझा यहाँ पर किया जाता है, यहाँ यहाँ पर जो है वो ठनका होने वाली है। इस ऐप का जो नाम है ना, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन वगैरह में कि जो ठनका से संबंधित है यानी कि जो वज्रपात से संबंधित ऐप है वो कौन सा ऐप है, तो ये ऐप का नाम जो है वो क्या है, इस ऐप का नाम दामिनी ऐप है। क्या नाम है? जिसके माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जाता है। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? दामिनी ऐप है। क्या नाम है? दामिनी ऐप यहां पर इस ऐप का जो है वो नाम है। ठीक है, आपको बोर्ड विजिबल है ना, दिख रहा है सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है ना, तो इस ऐप का नाम क्या है? दामिनी ऐप है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5th नंबर है, वो है 10 किलोमीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए झारखंड से किनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए यहां पर चयन किया गया है। ठीक है, और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। 10 किलोमीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए झारखंड से किनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए किया गया है। तो यहां पर आप सुनते होंगे कि यूनिवर्सिटी गेम्स यहां पर झारखंड में समेत जो है वो देश भर में आयोजित की जाती है, अलग अलग देश के जो यूनिवर्सिटी है उनके बीच प्रतियोगिता कराई जाती है, और उसके साथ ही यहां पर ये वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। तो इनके लिए झारखंड से यहां पर जो है वो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, 10 किलोमीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड से किनका चयन किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बसंती कुमार। कौन है? बसंती कुमारी है जिनका यहां पर जो है वो चयन किया गया है, बसंती कुमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका 10 किलोमीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए यहां पर हुआ है। पिक्चर में आप यहां पर देख सकते हैं झारखंड की बसंती कुमारी है, कहां से बिलोंग करती हैं? झारखंड के चाईबासा से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, और इनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलने के लिए किया गया है और 10 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी वो। यह प्रतियोगिता 28 जुलाई को चीन के चेंगदू शहर में शुरू होगी और बसंती ने 29 से जो 31 मई तक लखनऊ में जो आयोजित हुई थी यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उन्होंने जो है यहां पर 1000 मीटर में स्वर्ण पदक एवं 5000 मीटर में रजत पदक यहां पर जीता था। 10000 मीटर में और 5000 मीटर में जो है वो इन्होंने यहां पर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था और इसी के कारण जो है वो इनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता के लिए यहां पर किया गया है। ये कौन है? बसंती कुमारी है और ये कहां से बिलोंग करती है? झारखंड के चाईबासा से बिलोंग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर है वो 6th नंबर। बर्लिन में चल रहे, ठीक है, बर्लिन में प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया जा रहा था, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में 10 किलोमीटर साइकिलिंग प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हाल ही में जो है यहां पर स्पेशल वर्ल्ड यहां पर कहिए कि ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन किया जा रहा था, तो 10 किलोमीटर की जो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी उसमें किन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है इंदु प्रकाश। कौन है? इंदु प्रकाश है जिन्होंने बर्लिन में, ठीक है, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं इंदु प्रकाश, और इन्होंने बर्लिन में जो है यहां पर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें 10 किलोमीटर की साइकिलिंग प्रतियोगिता में यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो जमशेदपुर शहर के हैं ये इंदु प्रकाश। कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने यहां पर 10 किलोमीटर कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। 23 जून जो है क्या है? ओलंपिक डे मनाया जाता है, तो उस दिन प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया जा रहा था। ठीक है, और यहां पर जो देख लीजिए परसुडी लोको के जो है वो निवासी है इंदु प्रकाश और इन्होंने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में 10 किलोमीटर की साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल यहां पर जीता है। ठीक है, तो ये चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर है वो है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाल ही में राज्यपाल जो वर्तमान में झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके द्वारा 20 जून 2023 को योग पुस्तक पर पारंपरिक योग योग का पुस्तक का विमोचन किया गया था। पुस्तक का नाम क्या था? पारंपरिक योग। ठीक है, पुस्तक का ही नाम क्या था? पारंपरिक योग। ठीक है, तो यहां पर इस पुस्तक के जो लेखक या फिर लेखिका है वो कौन है, ये पूछा गया था आपसे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, इन ये दोनों ही है। पहले जो है वो कौन है, डॉक्टर अर्चना कुमारी है, और दूसरे जो है वो कौन है, डॉक्टर परिणीता सिंह है। तो ये दोनों ही है जिन्होंने यहाँ पर जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो ये दोनों ही लेखिका है जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है, पारंपरिक योग इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन यहां पर है वो है एक हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है यहां पर एनडीजे, उसी के रिपोर्ट से यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एनजेडीजे 2023 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले के सिविल कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे जो है वो लंबित हैं। तो ये जो रिपोर्ट आती है वो देश के अलग अलग राज्यों के लिए निकल कर आती है। तो झारखंड राज्य के लिए भी यहाँ पर ये रिपोर्ट में सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, किस कोर्ट में कितना लंबित है, कौन सा जिला जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कहीं कि फास्ट काम कर रहा है, कौन सा स्लो काम कर रहा है, किस जिले में कितने केस लंबित हैं, सारी चीज, हाईकोर्ट में कितने केस लंबित हैं, पर जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उन पर कितना केस का लोड है, कितना पेंडिंग है, सारी चीजें इस रिपोर्ट में निकल कर बातें सामने आती हैं। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड एनजेडीजे 2023 की जो रिपोर्ट आई है, तो झारखंड के किस जिले के सिविल कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे जो है वो लंबित हैं। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर है, पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है धनबाद, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, और चौथा ऑप्शन यहाँ आपके पास है गिरिडीह। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है, साथ साथ बताइएगा कि सबसे कम जो केस पेंडिंग है, क्या यहाँ पर लंबित है, सबसे कम लंबित वो किस जिले में है, ये भी आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोनों ही बताइए कि सबसे अधिक किस में है और सबसे कम किस में। ठीक है, तो ये आप सब कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ही आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन जो है सुबह में मिल जाएगी। आप डेली यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए, आपकी जो है वो रिविजन अच्छे से, यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी, करंट अफेयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप सब डेली यहाँ पर सुबह में देखा करिए, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप यहाँ पर हमारे सीजीएल के कोर्सेस ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।